स्कूल के टाइम में हमारी जो क्लास की इंचार्ज होती थी उनके लिए हम सब लड़के, बल्कि क्लास में जितने भी लड़के होते थे उनके लिए हम ना चोर, डकैत, रेपिस्ट और चीटर होते थे। और क्लास में जितनी लड़कियां होती थी ना वो मैडम के लिए ना परियां होती थी। पापा की तो आजकल बनी है पर उस समय वो मैडम की परियां होती थी। और मैडम ने एक दिन क्या करा, अपने बेटे को ना हमारी क्लास में उसको एडमिशन दिलवा दिया। और हमको लगा इनके बेटे को सब सरप्राइज टेस्ट के बारे में पता होगा कि क्या क्या उसमें आने वाला है, तो इसे दोस्ती बढ़ाते हैं। दोस्ती तो क्या बढ़ाई, उसे तो हमारी रोटी ही चुरा के खा ली। वो तो एक नंबर का 56 चोर निकला, हमारी तो रबड़े चुराता था मिटाने वाली, और लड़कियों की तो पेंसिल ही चुरा लेता था। और हद पार तो तब हुई जब उसने अपनी मम्मी के पर्स से ही पैसे चुरा लिए, वो भी हमारी नजरों के सामने। और मैडम ने अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए स्कूल से उसको शिफ्ट ही करवा लिया कि अपने बेटे की इज्जत बनी रहे। अरे 1200 से ऊपर बच्चों को पता चल गया कि आपका बेटा चोर है, और मैडम कहती है कि कल को तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। अरे मैडम, जो आपने इज्जत बचाने की कोशिश करी है ना, सिर्फ स्कूल के 12 से 15 टीचर्स को नहीं पता है, बाकी 1200 बच्चों को पता चल गया है कि आपका बेटा चोर है, और हमारे पेरेंट्स को क्या बताओगे? बेहतर यही होगा कि हमको टेस्ट में पास कर दो, वरना हम प्रिंसिपल को बता देंगे कि आपका बेटा चोर है। बचपन से ही लड़कों की इज्जत ना गू में गई है और लड़कियां पापा की परियां बन गई हैं। बताओ।